तो ओके गाइस, अभी मैंने एक चैलेंज ले लिया है कि जब तक मैं 50 झंडे नहीं देखूंगा कि लोगों के छत पे, लोगों के एक्टिवा बाइक पे लगे हुए, तब तक भाई मैं घर नहीं जाऊंगा। द विनर अभिषेक इज एलविश। बंदे मातरम। बाकी अभी कल की सारी तैयारी हो चुकी है। ये देखो भाई, ये अपने पास 100 से ऊपर फ्लैग है। ये देखो भाई, छोटे से रिक्शे पे इतना सामान लोड किया हुआ, अगर इसके साइड में से कोई भी बंदा निकलेगा तो उसे दिखेगा कैसे कि हाँ भाई हमने आगे जाना है, या उसको कैसे दिखेगा, किसी के बीच में मारेगा फिर लड़ाई होगी किसी के साथ। ये देखो 15 अगस्त की भाई तैयारी हो रही है। कल हमारा देश हुआ था आजाद, तो कल ये 100 के 100 झंडे। हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू वर्ल्ड। अभी रेड नोट टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। और यार आज इस वीडियो में हम करेंगे इंडिपेंडेंस डे की थोड़ी तैयारियां करनी है भाई, थोड़ी प्रिपरेशंस करनी है। जैसा कि थोड़े बहुत फ्लैग्स लेके आने, मैं ना यार एक काफी ज्यादा खतरनाक सी चीज प्लान कर रहा हूँ, वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगी, या इस वीडियो की मैं एंडिंग में आपको बता दूंगा क्या चीज मैं प्लान कर रहा हूँ। तो उसके लिए भाई मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए, मतलब कि वो चीज को पूरा फेमस करना यार, इतना मुझे उस चीज के सपोर्ट चाहिए। और बाकी यार दिल से खुशी होगी जब हम वो वाली चीज करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो वाली वीडियो कल आएगी भाई। सो कल वीडियो जरूर देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला आपको। और सबसे मेन चीज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वेलकम कर लेना ऑन। बाकी पूरी इंटरव्यू देखना, पूरा मजा आएगा। और आज बिग बॉस का फिनाले भी है। बिग बॉस तो देखेंगे भाई कौन जीता, अभिषेक मल्हान या एलविश यादव सिस्टम, अभी चेक करते हैं। सो चलो भी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बाकी अभी तैयारियां करने चलते हैं भाई इंडिपेंडेंस डे की। सो चलो भी चलते हैं, लेट्स गो। चलो भाई लेट्स गो। अरे क्या हो गया इसको, क्या हो गया भाई? खुल गया भाई। तो अभी एक काम है, अभी पहले काम करके आते हैं। और आई भाई बिग बॉस का फिनाले है, और क्या ही मजा आएगा यार, पूरी एडिट वीडियो देखना। देखते हैं कौन जीतता है, एलविश यादव फुकरा इंसान, दोनों के लिए क्रेजी एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब कि क्रेजी रिएक्शन रहेगा दोनों के लिए। दोनों में से कोई भी जीते मजा आ जाएगा। और आई काफी ज्यादा खुशी हो रही है मुझे कि वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा किस बात की मुझे अभी खुशी हो रही है। और मैं पहले जाके काम करके आते हैं और आपको बताऊंगा भाई मुझे किस बात कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी, मैं क्यों इतना ज्यादा खुश था, एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई वो चीज, मतलब यार काफी ज्यादा खुशी हो रही है। गेस करो, जो बंदा भाई सही गेस करेगा, सही गेस करो बस यार, कमेंट करके बताओ, गेस करो। अगली वीडियो में मैं खुद ही बता दूंगा किस बात की खुशी हो रही थी। चलो यार अभी बाकी बातें बाद में करते, अभी चलते पहले काम करके आते हैं, लेट्स गो भाई। और बाकी यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, मोटिवेशन मिलती है कि नई वीडियो बनाओ यार, अच्छी वीडियो बनाओ, बस ऐसी कोई चीज है बस, अभी देखना। तो चलो अभी पहले चलते हैं। ये देखो भाई, छोटे से रिक्शे पे इतना सामान लोड किया हुआ, अगर इसके साइड में से कोई भी बंदा निकलेगा तो उसे दिखेगा कैसे कि हाँ भाई हमने आगे जाना है, या उसको कैसे दिखेगा, किसी के बीच में मारेगा फिर लड़ाई होगी किसी के साथ। ये देखो कोई एक्टिवा बाइक वाला बेचारा ऐसे बीच में फंस जाएगा, ये गलत होता है इन लोगों का हिसाब, चाहे वो चीज हल्की है पर अगर किसी के बीच में वजह तो कोई गिर जाएगा। ये देखो कैसे पूरा साथ साथ से निकाल रहा। अभी ना मैं यार एक चीज प्लान कर रहा हूँ, एक सेकेंड, अभी ना मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ कि मैं शहर में गेड़ा निकाल के आता हूँ अपने घर के आसपास, और देखता हूँ कितने लोगों ने भाई इंडिया के झंडे लगाए हैं, तिरंगा लगाया है, कितनी दुकानों पे लोग बेच रहे हैं, अभी वो देख के आते हैं। चलो भाई लेट्स गो, अभी जाके देखते हैं भाई कितने लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम तो भाई बढ़िया था क्रेजी चीज करने वाले हैं सेलिब्रेट से भी ऊपर, तो कल वाली वीडियो ज़रूर देखना। इंडिपेंडेंस डे यार सारे सेलिब्रेट करो यार, इंडिपेंडेंस डे साल में एक बार ही आता है, इतना खुशी का दिन है, आज़ादी का दिन है यार, सारे जाके इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करो, सारे अपने घर पे तिरंगे लगाओ जैसा कि मोदी जी ने कहा है भाई, सभी जाओ और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करो, ठीक है ना भाई? और अभी चलते हैं जाके देखते आते हैं भाई कहाँ कहाँ पे लोगों ने झंडे लगाए हैं और कहाँ कहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं झंडे लगाने की,
तिरंगा लगाने की, भाई अपने हिंदुस्तान का तिरंगा लगाने की कहाँ कहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। लूंगा बाकी यार, आज मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा कि सभी तिरंगे लगाओ। और भाई कई मेरे फ्रेंड्स की ना वो कलर ट्यून भी ऐसी लग गई है, खुशियों से इस आजादी दिवस को मनाइए। सो चलो अभी देख के आते हैं भाई कहाँ कहाँ पे लगे हैं। भाई रोडों पे निकल चुके हैं, अभी चेक करते हैं कौन सी गली में झंडा लगा कौन सी गली में झंडा नहीं लगा। मेन रोड पे तो यार कैसे झंडा लगेगा, गलियों में लगेगा, लोगों के छतों पे। तो भाई ये ई रिक्शा वाले भैया ने यहाँ पे तिरंगा लगाया हुआ था, अभी आपने देखा कि ई रिक्शा वाले भैया ने भी तिरंगा अपने ई रिक्शा पे लगाया हुआ था। तो भाई हम लोग क्यों नहीं लगा सकते। वो देखो सामने भी एक भैया जा रहे थे, उन्होंने भी अपने बाइक पे लगाया हुआ था। सामने भैया ने कितना बड़ा तिरंगा लगाया हुआ अपने ई रिक्शा पे, ये देखो। देखो भाई सामने छत पे भी इंडिया का तिरंगा लगा हुआ, और यहाँ पे भी नीचे भी तैयारी हो रही है भाई झंडा लगाने, यहाँ पे भी तैयारी हो रही है, यहाँ पे भी कल झंडा फहराएंगे। और दिखाते भाई और कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, बाकी अभी ढूंढते जा रहे हैं भाई कहाँ कहाँ पे अपने ये देश का तिरंगा लहरा रहा है, आपको भी दिखाते हैं। और बाकी कई जगह पे भाई सुबह लहराएगा, कईयों ने अपने छत पे लगा लिया अभी, तो भी देखते जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, अभी ना मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं जब तक 50 झंडे नहीं देख लेता हमारे तिरंगे लहराते हुए, तब तक भाई मैं घर नहीं जाऊंगा। अभी मैं पहले 50 तिरंगे ढूंढूंगा भाई, किन किन लोगों ने अपने घर पे बाइक पे लगाए हुए हैं। मैंने 1, 2, 3, 4, 5 मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, 5 अभी और देखने भाई, 45 झंडे अभी और ढूंढने हैं। चलो भाई लेट्स गो, ये चैलेंज ठीक है ना। यार मेरा मन क्या कर रहा है, मैं एक बार घर पे जाके ना एक्टिवा पे आ जाता हूँ, एक्टिवा पे ज्यादा इजी होएगा भाई ढूंढना, क्योंकि कार में कार ऐसे रोक नहीं सकते कहीं पे भी, पीछे जाम लग जाता है, ट्रैफिक लग जाता है। अभी ढूंढते हुए वैसे जा रहे हैं। तो ओके गाइस, अभी मैंने एक चैलेंज ले लिया है कि जब तक मैं 50 झंडे नहीं देखूंगा कि लोगों के छत पे, लोगों के एक्टिवा बाइक पे लगे हुए, तब तक भाई मैं घर नहीं जाऊंगा। झंडे तो भाई हम ढूंढते रहेंगे, मैंने कहा पहले पेट पूजा कर ली जाए। सुबह पेट पूजा करने के लिए आए, मोमोज खाने के लिए। मैंने कहा कितने दिन हो गए यहाँ से नहीं खाए, यहाँ से खा लेते, मतलब कि 50 झंडे हो जाए या फिर 50 ऐसी जगह जहाँ पे तैयारी हो रही है इंडिपेंडेंस डे की। 6 ऐसे अगर तैयारी वाला गिनना तो 6 जगह ऐसी हो चुकी है, एक मैंने जगह भी देख ली है और मैंने 5 झंडे देख लिए हैं भाई। और अभी देखते आगे क्या करते करते अपने ये भी आ चुके भाई मोमोज भी। और कल यार मैं क्या चीज करने वाला हूँ, इंडिया स्पेशल चीज करने वाला हूँ, मजा आ जाएगा भाई लिटरली देख के आपको। देखो भाई इस दुकान में भी इंडिपेंडेंस डे की तैयारी हो रही है, ये देख लो। अभी सीधा आपको एक्टिवा पे मिलते हैं, अभी एक्टिवा पे चलते हैं और ढूंढते हैं भाई इंडिया के फ्लैग कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। लेट्स गो, अभी इंडिया के फ्लैग ढूंढते भाई, एक्टिवा पे चलते हैं अभी, लेट्स गो घर पे जाके एक्टिवा पे जाके, और फिर आपको दिखाते भाई कहाँ कहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे की तैयारी चल रही थी रिलायंस के अंदर, और सबसे मेन चीज नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। 8 जगह पे हमने झंडे ढूंढ लिए हैं, 8 जगह पे, मतलब कि 8 जगह पे अभी तक इंडिपेंडेंस डे की तैयारी हो रही है, पूरे 8 जगह पे अभी तक, बाकी अभी और ढूंढते हैं। आज का सबसे बड़ा हमने इंडियन फ्लैग देख लिया चौक पे, ये देखो। देखो भाई एक झंडा इधर भी लगाया हुआ भैया ने, 10 हो गए तो देख लिया हमने, ये इधर भी लगा हुआ भाई 9, 10 हो गए 10, अभी और ढूंढते चलते हैं। एटीएम के अंदर तो नहीं है, नहीं एटीएम के अंदर नहीं लगा हुआ भाई, अभी और ढूंढता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अरे भाई 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 यहाँ पे भी एक हमें इंडिया झंडा दिखा गया, 11, और आगे देखते चलते हैं, 11 हो चुके हैं भाई। इस जगह पे भी लगा हुआ है 12 झंडे, अभी हमने टोटल देख लिए भाई 12, पता नहीं हमने 12 झंडे देख लिए, पता नहीं 13 झंडे देख लिए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा प्रॉपर कितने झंडे देख लिए, अभी देखता हूँ भाई। और दुकान पे भी लगे हुए हैं झंडे, अरे शीशा गंदा दिखा नहीं होगा यार, 13 झंडे हो गए, 13 या 14, एक बिल्कुल सामने लगा हुआ है, ये देखो भाई झंडा ही है ना। हाँ नहीं है, नहीं ये तो बैट बॉल है, बंदा पीछे एक्टिवा पे लेके आ रहा है झंडा बड़ा बड़ा, ये देखो भाई ये झंडा लेके जा रहा है इतना बड़ा एक्टिवा पे। कितने भाई, 15-16 झंडे देख लिए हमने अभी, मैं अभी वीडियो एडिट करूंगा ना फिर प्रॉपर पता चलेगा, नहीं तो मैं नीचे लिख दूंगा अगर मैं गलत हूंगा। 16 झंडे तो अभी देख लिए, अभी एक्टिवा पे जाके देखते हैं भाई, अभी एक्टिवा पे कितने झंडे दिखते हैं। अभी आपने देखा कि यार हमने अभी झंडे ढूंढ लिए भाई, कितने झंडे लगे हुए हैं शहर में अभी मैंने आपको दिखा दिए हैं। और सबसे मेन चीज कि अभी मैं जा रहा हूँ भाई झंडे खरीदने के लिए, लोगों को बांटेंगे भाई तो पूरा मजा आएगा। सो चलो पहले झंडे खरीद के लेके आते हैं, लेट्स गो।
बाकी अभी झंडे खरीद के लेके आते हैं, लेट्स गो। और सुबह ही भाई घर से निकल जाएंगे स्पेशल चीज करने के लिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं करोगे ना तो मैं आपको घर आके सब्सक्राइब करूँगा भाई। कर दो अब कर दो सब्सक्राइब भाई, जो मर्जी हो जाए। तो चलो अभी चलते हैं। तो ओके गाइस, अभी पहली शॉप पे आ चुके हैं। अभी यहाँ से फ्लैग देखते हैं, यहाँ से खरीदते हैं। और अगर इनके पास मिल गए भाई 100 फ्लैग तो यहीं से खरीद लेंगे। तक हम झंडे पे झंडा काउंट कर रहे हैं, इधर भी लगे हुए हैं झंडे। अभी हम झंडे खरीदने के लिए जा रहे हैं, कम से कम तो भाई 100 झंडा खरीदेंगे और कल बांटेंगे। अभी हम आए हैं शहर वाली साइड और अभी देखते हैं, झंडे खरीदने के लिए आए हैं। इस गाड़ी पे भी झंडा लगा हुआ है इंडिया का। झंडों की शॉपिंग करते करते हमें पतंगों की शॉपिंग करनी पड़ रही है। अभी ये अभी खरीद लिए हैं और ये रहे झंडे। और अभी वो चल रहा है भाई बिग बॉस, और कह रहे हैं अभिषेक अभी बीमार है। झंडे खरीद लिए हैं, सो अभी पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं पेट्रोल पंप पे। और बाकी अभी घर जाके भाई वीडियो एंड करते हैं और अगली वीडियो के भाई अभी फ्लैग्स आ चुके हैं अपने घर पे, और अभी मैं भी वापस घर पे आ चुका हूँ। अभी एक थंबनेल के लिए फोटो क्लिक करते हैं और सुबह हम निकल जाएंगे फ्लैग बांटने के लिए। सो ओके गाइस, अभी 50+ फ्लैग्स यहाँ पे पड़े हैं और बाकी मैंने कुछ ऐसे सेटअप कर दिए हैं। ये देखो भाई 15 अगस्त की भाई तैयारी हो रही है। कल हमारा देश हुआ था आजाद, तो कल ये 100 के 100 झंडे लोगों में बांटेंगे। जो गरीब बच्चे जो फ्लैग नहीं खरीद सकते उनमें, और उनको एक ये बात बोलेंगे कि इसको फेंकना नहीं, अपने घर पे जाके लगाना है। सो चलो भी एक थंबनेल के लिए फोटो खींच लेते हैं। वंदे मातरम। बाकी अभी कल की सारी तैयारी हो चुकी है। ये देखो भाई, ये है अपने पास 100 से ऊपर फ्लैग है। ये कल गरीब बच्चों में बांटेंगे जो फ्लैग नहीं खरीद सकते, और उनको कहेंगे भाई संभाल के रखना और बाकी सपोर्ट करो भाई सभी। और ओके गाइस, अभी फ्लैग्स वगैरह सब कुछ बाइंड अप कर दिया है और अभी आप क्लिप्स एंजॉय करो बिग बॉस के। अभी भाई फाइनल शुरू हो चुका है और लास्ट वाला 1 घंटा बचा हुआ, अभी देखते हैं कौन जीतता है, एल्विश यादव या फुकरा इंसान। सो अभी आप भी थोड़ी सी क्लिप्स एंजॉय करो बिग बॉस की, 1 या 1.5 मिनट की होंगी भाई, देखो एंजॉय करो। लुक लुक हू इज हियर, शुभ बॉय बादशाह एल्विश, तुमने तो पूरा सिस्टम मिला दिया भाई, धन्यवाद भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ओके गाइज, अभी दोनों फोनों से भाई मैं अभिषेक और एल्विश यादव को वोट कर रहा हूँ। 1 वोट अभिषेक को, 1 वोट एल्विश यादव को। ये देखो पहले अभी अभिषेक को वोट की, तीनों फोनों से अभी अभिषेक को पहले वोट करेंगे और इसके बाद अभी एल्विश की टर्न आ चुकी है भाई। सो ओके गाइज, अभी एल्विश को भी वोट कर दिया भाई तीनों फोनों से, और अभी अभिषेक की टर्न आ गई फिर से। सो अभी दोबारा से अभिषेक को वोट करते थे भाई फुकरा इंसान को। एंड द विनर बिग बॉस OTT Is Abhishek, kya lagta hai aapko? Kya lagta hai aapko? Pura system mil gaya. The winner is. Ye mere hisab se tha. The winner, Abhishek, is Elvish! Congratulations. अभी ये किसी को भी ट्रॉफी दे दे, मायना नहीं है, ट्रॉफी इन्हीं की है। तुम हाथ लगा लो, एक घर तो इन्हीं की जा रही है। रोहित स्क्रीन लगा लो। एक कंसोलेशन प्राइज है। हाँ ये लो, चलो। तो ओके गाइस, कोई भी जीते, फुकरा इंसान जीते, एल्विश यादव जीते, पर हमें होएगी भाई उतनी खुशी। ऐसा ही हुआ, अभी जीत चुका भाई अपना एल्विश यादव भाई। तो भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एल्विश यादव को, और काफ़ी अच्छा लगा। अगर अभिषेक भी जीतता तो भी भाई मुझे इतना अच्छा लगता, अभी एल्विश यादव जीता तो भी इतना अच्छा लगा, क्योंकि यार वो अपनी कम्युनिटी का ही बंदा है, यूट्यूब का ही बंदा है वो भी। तो यार हेट फैलाना बंद करो, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अब जीत गया भाई एल्विश यादव, अब कुछ नहीं रहा, बिग बॉस खत्म हो चुका। खतरों के खिलाड़ी देखो भाई सभी जाके,
और एलविश यादव जीत चुका है यार, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिग बॉस भाई जैसे ही सलमान भाई ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, दिल को कुछ हो रहा था भाई, किसका हाथ ऊपर जाएगा किसका नीचे आएगा, ये थोड़ा सस्पेंस आज उन्होंने खेला। बाकी बाबा सीन नेक्स्ट वीडियो इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगली वीडियो जरूर देखना। काफी ज्यादा मेहनत लग रही है यार वो वीडियो शूट करने में, मतलब वो प्रोफेशनल टाइप एक वीडियो होने वाली है, सो अगली वीडियो जरूर देखना। और बाकी बाबा सीन नेक्स्ट वीडियो इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी वो फॉलो करो बाबा सीन नेक्स्ट वीडियो, वीडियो को लाइक करना, बाय बाय।